नमस्कार, कमोडिटी मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज 28 जुलाई, कल के सेशन में पूरे ही कमोडिटी पैक में नेचुरल गैस को छोड़कर सभी में हमने एक अच्छी खासी रिकवरी आती हुई देखी। नो डाउट सोने चांदी में मोमेंटम बहुत तीव्र बना हुआ है, वोलेटिलिटी काफी ज्यादा बनी हुई है, जिसके चलते बेस मेटल की जो मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं प्राइजेस में रिफ्लेक्ट नहीं दिखाई दे रहा था। कल हमने गोल्ड को 52,000 का लेवल तोड़ते हुए देखा। चांदी ने, अगर हम बात करें लॉकडाउन की या कोविड की, तो कोविड के कारण में ही हमने चांदी को डबल होते हुए देखा। हमने 18 मार्च को चांदी में एक भारी गिरावट आती हुई देखी और ये साल के लो से प्राइजेस में ऑलमोस्ट डबल होते हुए दिखा दिया है, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है कि मार्केट में अभी भी जो फंडामेंटल्स है वो काफी स्ट्रांग है। बट डबल होना 3-4 महीने की अवधि में थोड़ा सा एक आशंका देता है, तो थोड़े से अगले 2-3 दिनों के लिए कॉशियस रही है, क्योंकि चांदी जिस ढंग से रैली की है और गोल्ड ने रैली की है, कहीं ना कहीं अंदेशा है कि यह हफ्ते में एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग को हिट हो सकता है। अब इसको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास क्या है? हमारे पास है फेड की मीट। आज शाम से फेड की मीट है, जो कल रेट डिसीजन आएगा। रेट में कोई चेंजेस नहीं है, बट इकोनॉमी अगर डॉबिस बताते हैं और कोई भी फर्दर स्टिमुलस अगर आता है यूएस में, तो कहीं ना कहीं रिस्की असेट हम किसको कहते हैं? हम बेस मेटल को कहते हैं, इक्विटी को कहते हैं। अगर इनमें तेजी आ गई तो कहीं ना कहीं बड़ी गिरावट के लिए सोना चांदी तैयार है। मैं लॉन्ग टर्म अभी भी बोलिश हूँ सोने चांदी में, बट शॉर्ट टर्म में एक बड़ी गिरावट के लिए मार्केट तैयार है और मोस्ट प्रॉब्ली जो फंडामेंटल दिखा रहे हैं वो ये हफ्ते के लिए ही बता रहे हैं, तो बड़ी पोजिशंस बनाने से बचिए सोने चांदी में। क्रूड में हमने देखा प्राइजेस में गिरावट थी, बट लोअर लेवल पे प्राइजेस में फिर से जंप आता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि हरिकेन हिट हुआ है साउथ टेक्सस में, जिसके चलते हमने देखा प्रोडक्शन लॉसेस हो सकता है और वो प्राइसेस को सपोर्ट कर रहा है। बट इनऑल पहले भी हमने देखा 3000 के नीचे नहीं जा पा रहा है, ना ही 3200 के ऊपर जा पा रहा है। ये दायरा जो है वो मेंटेन रहेगा। नेचुरल गैस में हाई लेवल्स पे हमने प्रेशर बनते हुए देखा, मे भी आज एक गिरावट मिल जाए 30 का लेवल तोड़ने पे, 127 तक के लेवल हम नेचुरल गैस में देख पाएंगे। जबकि बेस मेटल में थोड़ा सा ओवरबॉट के कंसर्न अभी भी बने हुए, जो हमने लॉसेस देखे थे प्रोडक्शन के, अब वो धीरे धीरे ये हफ्ते में जाके ओपन अप होंगे। डेटा पॉइंट नो डाउट अभी भी सपोर्टिव है, तो जब तक की लेवल्स अगर ब्रीच नहीं होता है हमें बाय साइड ही रहना चाहिए। कॉपर के लिए 500 अगस्त फायदे के लिए, जिंक में 174 का लेवल, निकल में 1020 का लेवल जब तक नहीं तोड़ता है ट्रेंड पॉजिटिव है। एल्यूमिनियम 140 के ऊपर काउंटर स्ट्रांग है और 145 के ऊपर लेड स्ट्रांग है। वहीं इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड ने आज करीबन 1970 का लेवल तोड़ चुका है, 2000 का साइकोलॉजिकल लेवल तक जा सकता है। चांदी $27 के ऊपर जाती हुई टेक्निकली नहीं दिखाई दे रही है, तो थोड़ा कॉशियस रहिए। क्रूड रेंज बाउंड रहेगा बट पॉजिटिव रहेगा। नेचुरल गैस में आज दिन के सेशन में गिरावट मिलती है, जो 127 तक दिखाने के बाद रिकवरी दिखा सकती है। वीक्स इंडेक्स में गिरावट है, जो कहीं ना कहीं इक्विटी मार्केट को सपोर्ट करेगा। डॉलर इंडेक्स में गिरावट है, जो 93.20 का सपोर्ट लेना चाहिए, जबकि LME पे आज सब चीज 0.5% की तेजी के साथ ट्रेड करे, जिसका सीधा सीधा असर आज डोमेस्टिक मार्केट पे हम पड़ते हुए देखेंगे। डेटा पॉइंट आज यूएस से कंपोजिट 20 का डेटा है जो सपोर्टिव है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा ड्रॉप दिखा रहा है, रिचमाउंट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स पॉजिटिव दिखा रहा है। चार्टिकली अगर देखे तो RSI काफी ज्यादा ओवरबॉट है, गोल्ड की ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव दिखा रहा है बट वॉलिटिलिटी कंटिन्यू रहने की उम्मीद है, तो कॉशियसली आप इसमें ट्रेड कीजिए। कॉपर में भी मार्केट थोड़ा सा ओवरबॉट जरूर है, बट फंडामेंटल दिखा रहा है कि 530-535 का भी लेवल दिखा सकता है, तो थोड़ा सा बेचने इसलिए बचिए। 500 का लेवल जब तक ब्रीच नहीं करता काउंटर स्ट्रांग रहने की उम्मीद है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा चैनल बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आपको कमोडिटी और करेंसी के अपडेट टाइम टू टाइम लाते रहे।